मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त 6 जून को जारी कर दी है। 1250 रुपए मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में पहुंच चुके हैं। इस मामले में सियासत गर्म दिखी, जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए डालने का वादा किया था, मगर सरकार ने अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं और पूरे देश में लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं। लाडली बहनों ने बीजेपी के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, मगर सरकार ने अपने वादे को पूरे तरीके से नहीं निभाया है। आज भी मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं अपने उन 3000 रुपए का खाते में आने का इंतजार कर रही हैं, जो शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव अभियान के दौरान कहा था। सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिससे लाडली बहन अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले तो महिलाओं से वादा किया और फिर अब वादे से मुकर गई। इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी विधानसभा में सरकार बनेगी, हम 1250 से बढ़ाकर 3000 रुपया देंगे। इन्होंने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ धोखा किया है। और इसके पहले जब हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ था, तब इन्होंने हमारी नकल की थी। हम नारी सम्मान योजना लेकर आ रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी नकल करके लाडली बहना योजना लेकर आ गए। और जब लाडली बहना योजना लेकर आ गए, इनकी सरकार थी, इनने 2-3 महीने की किस्त दे दी। परंतु लाडली बहनों से ये कहा गया था कि हमारी विधानसभा में यदि आप सरकार बनाकर दोगे तो हम आपको 3000 रुपया देंगे। बहनों ने बढ़ चढ़कर इन्हें वोट दिया और इन्हें जिताया भी पूर्ण बहुमत के साथ। अब उनके साथ छल, कपट और धोखा ये सरकार कर रही है, उन्हें 3000 रुपया नहीं दे रही है। ये मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा के कटाक्ष का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि महिलाओं के विषय में कांग्रेस चुप्पी साधे तो ही अच्छा होगा। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है और महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का अभिमान है। कांग्रेस की यह बात उतनी ही निराधार है जितनी की कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस के ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये उतने निराधार और झूठे हैं जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। महिलाओं के विषय में तो कांग्रेस चुप्पी ही साधे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है, लेकिन महिलाओं का सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए कई हितकारी योजनाएं लेकर आई हैं और उसको पूर्ण रूप से महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। लाडली बहना योजना की अगर मैं बात करूं तो 12वीं किश्त भी महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी है और प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कदम उठा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।